केंद्रीय मंत्री पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग माननीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। नमस्कार। आज की इस सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र सरकार की गवर्नर श्रीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय सरकार की वरिष्ठ मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, हमारी भारत सरकार की मेरे साथी मंत्री प्रोफेसर एसपी बाघेल जी, शांतनु ठाकुर जी, जॉर्ज कुरियन जी और हमारे महाराष्ट्र की मंत्री सुधीर मुनगंट तिवारी जी, रविंद्र सवान जी, संजय बांसोड़े जी और हमारे यहाँ की लोकल एमपी हेमंत विष्णु सावरा जी, एमएलसी चंद्रशेखर बावांग कुड़ेल जी, पलघर और महाराष्ट्र की मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, अपल्या सर्वन्ना माझा नमस्कार, राम राम। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज स्वतंत्र भारत की सबसे बड़े पोर्ट वर्धमान में निर्माण होने जा रहा है और आज इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं और आज ये जो पोर्ट बनने जा रहा है इसके लिए जो माहौल महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और पालघर की महाराष्ट्र की जनता ने की है इसके लिए मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप लोगों का सहयोग के वजह से ये संभव हुए है और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर करके भारत को दुनिया की पांचवें बड़े अर्थव्यवस्था के हिसाब से खड़ा की है और अगले 5 साल के अंदर दुनिया की तीसरी बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने के लिए जो प्रतिबद्ध हुई है और इस काम को बढ़ावा देने के लिए, संभव करने के लिए, सफल करने के लिए सबका साथ सबका विकास नीति द्वारा भारत को एकत्रित की है और आज मैं ये बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, ये पोर्ट हमारे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार है क्योंकि ये पोर्ट बनने का बाद जो रोजगार हमारे स्थानीय युवा पीढ़ी को मिलेगा, महिला को मिलेगा और मसौ संप्रदाय के लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम रचना की गई है, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं ये हमारे अगले 25 साल के अंदर आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने का जो विकास यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में सफल पूर्वक तेज से आगे चलने लगा है,
इस विकास यात्रा को सफल बनाने के लिए भारत की अन्य अन्य प्रदेश का साथ महाराष्ट्र प्रदेश भी एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, पालघर जनता के लिए भी मौका है, क्योंकि ये मामूली पोर्ट नहीं है। दुनिया की 10 बड़े कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट के अंदर 20 में एक भी होंगे। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के लिए, देश के जनता के लिए, हमारे नई पीढ़ियों के लिए इस पोर्ट के जरिए जो मौका हमें मिलेगा, क्योंकि पालघर की इस जिले में जो अलग अलग सेंटर स्किल डेवलपमेंट का हो, हमारे मेडिकल फैसिलिटी हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, मार्केट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के जरिए 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और दुनिया का एक बड़े आकर्षित स्थान के रूप में पालघर अपना पहचान बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए, सभी वर्गों की भलाई के लिए पिछली 10 साल के अंदर जो भी परियोजना सफल पूर्वक उन्होंने लागू की है जनता को साथ लेकर, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये भारत हमारी मातृभूमि और ये भारत अगले दिनों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित हुआ है। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपने मंत्रालय की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को पिछले 10 साल में नई नई कार्यक्रम के जरिए जो आपने साहस दिया, जो मार्गदर्शन दिया, इसके वजह से आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम एक मैरिटाइम नेशन के हिसाब से प्रमुख स्थान ले चुका है। अलग अलग पैरामीटर में आज जो इतिहास रचना की है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से आप ही के नेतृत्व में ये सेक्टर हमारे देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में एक प्रमुख सेक्टर बनेगा और इसी सेक्टर के द्वारा हमारे नई पीढ़ियों को दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए एक सुनहरा मौका दी जाएंगे। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अगले दिनों में मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, जब कंस्ट्रक्शन शुरू